हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्प्राउट्स डोसा। इसके लिए हम एक मिक्सी जार ले लेंगे और इसमें हम 2 कप मूंग स्प्राउट्स डालेंगे। 1 कप हम रवा ले लेंगे, रवे से हमारा डोसा काफ़ी क्रिस्पी बनेगा। 2 टेबलस्पून बेसन डालेंगे, बेसन से बाइंडिंग अच्छा आएगा। 1 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 5-6 लहसुन की कलियां डालेंगे और पानी डाल के हम इसका अच्छे से पीस के बैटर बना लेंगे। बैटर को अब हम ढक के रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। स्टफिंग के लिए हम एक पैन ले लेंगे, पैन में हम 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाएगा, इसके बाद हम 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा फूटने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 प्याज। प्याज को हमने मीडियम साइज में कट कर लिया है। लाल कैप्सिकम डालेंगे, हरा कैप्सिकम और पीला कैप्सिकम। मेरे पास ये तीनों कलर के कैप्सिकम थे इसलिए मैंने लिए हैं। अगर आपके पास सिर्फ हरा वाला कैप्सिकम हो तो आप वही यूज़ कीजिएगा। अच्छे से हम सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बॉईल किए हुए मकई के दाने। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। हमारे कैप्सिकम प्याज अच्छे से सॉटे हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सेजवान चटनी और 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप। बारीक कटा हुआ थोड़ा धनिया डालेंगे, 2 टेबलस्पून पनीर के टुकड़े। सॉस को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यह हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है, इसे हम साइड में रख देंगे। हमारा बैटर है उसमें भी रेस्ट हो गया है। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे। एक तवा ले लिया है, तवे को हम तेल और पानी से ग्रीस कर देंगे ताकि हमारा डोसा चिपके नहीं। बैटर में सोडा डालेंगे और हम बैटर को तवे पे डाल के हम इसका पतला डोसा बना लेंगे। बैटर को एकदम हल्के हाथ से ऐसे घुमाना है चम्मच से। ऊपर से हम थोड़ा घी डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो तेल या बटर भी यूज़ कर सकते हो। हमारा डोसा नीचे से गोल्डन ब्राउन होता नहीं है तब तक हमें फुल आंच पे इसे पकने देना है। नीचे से हमारा डोसा काफ़ी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, दिख ही रहा है वो। हमने जो स्टफिंग रेडी किया था वो स्टफिंग हम इस पर डाल देंगे। ऊपर से हम थोड़ा मैगी मसाला डालेंगे और बारीक कट किया हुआ हरा धनिया और हमारे डोसे को हम रोल कर देंगे। तो रेडी हो गया है हमारा स्प्राउट्स डोसा। थैंक यू।